फ्रेंड्स, मोनिकास कुकिंग स्टेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम गणेश जी के स्वागत के लिए बनाएंगे मिल्क मोदक, जो कि उनको बहुत पसंद आते हैं और बहुत आसानी से भी बन जाते हैं, वो भी बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में। तो चले बनाना शुरू करते हैं। तो मोदक बनाने के लिए हमें लगेगा आधा कप पिसी हुई चीनी, आधा कप दूध पाउडर, एक बड़ा चम्मच घी, थोड़ा सा घिसा हुआ नारियल, ये ऑप्शनल है, दो बड़े चम्मच दूध, दो बड़े चम्मच केसर वाला दूध, दूध गुनगुने दूध में हमने थोड़े से केसर को मिलाकर रख दिया, और थोड़ा सा मलाई, ये ऑप्शनल है। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करके पैन में एक बड़ा चम्मच घी डाल देंगे और उसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो हम उसमें डाल देंगे मलाई। आप यहाँ पे मक्खन भी डाल सकते हैं या ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। मलाई को अच्छे से मिलाने के बाद हम उसमें डाल देंगे दूध, और फिर हमारे तीनों इंग्रेडिएंट्स को हमें एकदम अच्छे से मिलाना है। मिलाते हुए हम इसे करीब एक मिनट तक पकाएंगे, फिर हम उसमें डाल देंगे दूध पाउडर। इसमें दूध पाउडर ज़्यादा जाता है। अब हम इसे अच्छे से मिलाते हुए पकाएंगे करीब एक से डेढ़ मिनट तक, और ये कुछ मावे जैसे बनेगा, ये देखिए। जब ये इस तरीके से थोड़ा सा पक जाए, इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे नारियल। नारियल ऑप्शनल है, आपको नहीं पसंद है तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आप फ्लेवरिंग के लिए इलायची पाउडर या कुछ डालना चाहते हैं तो इस स्टेज पे डाल सकते हैं। फिर हम इसमें पिसी हुई चीनी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिलाते हुए फिर से दो से तीन मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। हमारी चीनी जो है वो पानी छोड़ेगी और पिघलेंगी, तो जब तक वो अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए हम उसे अच्छे से पकाएंगे। हमें ये सारी स्टेप्स लो से मीडियम फ्लेम में ही करनी है। हम कहीं पर भी फ्लेम गैस की हाई नहीं करेंगे। फिर इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे हमारा केसर वाला दूध। अगर आपको केसर का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप इसके जगह पे खाने वाला कलर दूध में मिलाकर डाल सकते हैं। यहाँ पे केसर से सिर्फ फ्लेवर ही और टेस्ट ही नहीं आएगा तो बहुत अच्छा कलर भी आएगा, इसलिए यहाँ आप खाने वाले कलर को रिप्लेस कर सकते हैं। इसे हम और दो मिनट तक पकाएंगे। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक वो इस कंसिस्टेंसी पे ना आ जाए। आपको ये थोड़ा गीला लगेगा बट हमें इसे इसी कंसिस्टेंसी तक पकाना होगा। अगर हम इसे ज़्यादा पकाएंगे तो ये बाद में बहुत कड़क हो जाता है। बस अब इसे हम पैन से बाहर निकाल कर गैस ऑफ कर देंगे और ठंडा होने देंगे। हमारे मोदक के लिए हम एक स्टफिंग भी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने तीन से चार ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, कुछ अंजीर, कुछ काजू बादाम ले लिए हैं। आप चाहे तो इसमें आपके पसंद वाले ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, पिस्ता वगैरह भी आप डाल सकते हैं। फिर इसमें मैं डाल दूंगी किसा हुआ नारियल और थोड़ा सा दूध। दूध इसलिए कि वो अच्छे से बाइंड हो जाए और जब हम उसको हमारे मोदक में डालें तो वो मोदक के बाहर ना आए। ये हमारी स्टफिंग अब रेडी है, इसे हम फीका ही रहने देंगे, चीनी नहीं ऐड करेंगे। तो मोदक बनाने के लिए हमने जो डो बनाया है वो हमें एकदम ठंडा नहीं लगेगा, थोड़ा गुनगुना ही चाहिए। तो मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हम हमारे डो का छोटा सा पार्ट लेंगे इस तरीके से, और हाथ के बीच में मलते हुए हम उसका एक पेड़ा बना लेंगे, और फिर हाथ की हेल्प से उसे हम मोदक का शेप देंगे। बस ऊपर का पार्ट हमें ऊपर की तरफ खींचना होगा। हम ये बिना मोल्ड का ही बनाएंगे, बहुत ही सुंदर मोदक। अब हम किसी स्पून के बैक साइड से हमारे मोदक पर इस तरीके के मार्क्स लगा देंगे। इससे क्या होगा
कि जैसे मोल्ड वाला मोदक दिखता है ना, ये बिल्कुल वैसे ही दिखाई देगा। मोल्ड वाले मोदक में जो नीचे का पार्ट होता है वो बहुत ही सर्कुलर होता है, इसलिए हम इस मोदक का भी नीचे का पार्ट सर्कुलर रहने देंगे और उसे सिर्फ ऊपर की तरफ से ही मोदक का शेप देंगे। ये देखिए हमारा मोदक बनकर रेडी है। अब स्टफिंग वाला मोदक बनाने के लिए हम उसी तरीके से हमारे डो का एक सर्कल बनाएंगे। यहाँ पे हम डो थोड़ा ज़्यादा लेंगे क्योंकि हमें स्टफिंग भी करनी है। फिर इसे हम थोड़ा सा हाथ से प्रेस करते हुए इस तरीके से शेप बनाएंगे, बीच में उसके जगह बनाएंगे ताकि हम हमारी स्टफिंग भर सकें। अब हम थोड़ी सी स्टफिंग भरेंगे, ज़्यादा नहीं भरनी है, और फिर उसे डो से इस तरीके से पैक कर लेंगे। ये देखिए, और फिर हम फिर से उसका एक अच्छा सर्कल बनाएंगे और इस तरीके का पेड़ा बन जाएगा। और फिर हम उसे उसी तरीके से मोदक का शेप दे देंगे जैसे हमने पहले दिया था। और ये हमारा मोदक इस तरीके से बन जाएगा। तो हमारे सारे मोदक बनकर रेडी है। मैंने उसे थोड़े से पिस्ता के साथ में गार्निश कर प्लेट किया है। देखिए बहुत ही सुंदर और ऐसे लग रहा है जैसे हमने मोल्ड से ही बनाया है। तो इस गणेश उत्सव में मिल्क मोदक जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके गणेश जी जरूर इंप्रेस होंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो, मेरी रेसिपी इजी और अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।